नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर बर्ड फ्लू को लेकर आ रही है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मुताबिक जलंधर भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। ऐसे में एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मुताबिक जलंधर भेजे गए थे 8 सैंपल जो पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 9 राज्यों में फैला है बर्ड फ्लू का कहर। देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव मिले थे और अब दिल्ली से लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। अलर्ट पर लखनऊ चिड़ियाघर। इस वक्त की ताजा अहम खबर आप तक न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पहुंचा रहा है, जहां पर अब दिल्ली में भी बर्ड फ्लू पहुंच गया है। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की दस्तक। राजस्थान में सामने आया था सबसे पहला केस। एमपी के 9 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। कोरोना गया नहीं, बर्ड फ्लू का संकट बड़ा होता जा रहा है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मुताबिक जलंधर भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। नया राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने से लखनऊ तक हड़कंप है। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले भी सामने आ गए हैं। यूपी में बर्ड फ्लू की एंट्री कानपुर से हुई, जहां चिड़ियाघर में 4 मरे पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद चिड़ियाघर को सील कर दिया गया। कानपुर चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षी मरे मिले और अब बाड़े के सभी पक्षियों को मारने के आदेश भी दे दिए गए हैं। कानपुर प्रशासन ने पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है, जहां लोगों के आने पर मनाई है। कानपुर का असर राजधानी लखनऊ में भी दिख रहा है। यहां सबसे ज्यादा चिंता लखनऊ चिड़ियाघर को लेकर है। बर्ड फ्लू के बढ़ते दायरे के बाद नवाब वाजिद अली शाही प्राणी उद्यान अलर्ट पर है। चिड़ियाघर में सभी पक्षियों के बाड़े को सैनिटाइज किया जा रहा है। अंदर बाहर चूना छिड़का भी जा रहा है। इतना ही नहीं, पक्षियों के खाने में खासी सावधानी भी बरती जा रही है। एहतियात के तौर पर खाने में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा भी बढ़ा दी गई है। और वहीं मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले जिलों की फेयर लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। मंदसौर और नीमच में भी वायरस कंफर्म हो गया है, लेकिन सरकार तमाम एहतियाती उपाय भी कर रही है। इंदौर के एक पोल्ट्री फार्म में 450 मुर्गियों को मार दिया गया। अब तक राज्य के 9 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इनमें इंदौर, मंदसौर, आगर मालवा, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना जिले शामिल हैं। पक्षियों की मौत की पहली खबर 25 दिसंबर को पहली बार राजस्थान के झालावाड़ से आई थी। अब राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। इनमें सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर भी शामिल हैं। सवाई माधोपुर में मरे कौए में बर्ड फ्लू का NH5 स्ट्रेन मिला था। जिले में अब तक 70 परिंदों की मौत हो गई है, जिनमें कौ सहित मोर, कॉमेडी भी शामिल है। सवाई माधोपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से रणथंभौर प्रशासन अलर्ट। फिलहाल के लिए इतने ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।